सर दर्द से पटा जा रहा है पता नहीं क्यों। नवाब ए नवाब बात सुन, तू तो चाय वाय नहीं पूछेगा आज हमें? कहाँ गई सारी, मर गई सारी नौकरानियाँ? ओ नवाब किधर देख रही है, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। हैं माँ, साष्टा ने मेरे साथ कितनी ज्यादती की ना, कैसी महरूमी से मैंने जिंदगी गुजारी, वरना ये पूरा घर सब कुछ मेरा होता ना आज। अगर आप देखना अम्मा, नवाब नवाब बन के दिखाएगी, देखना। नायला का दिन भी उसके घर की तरह कितना बड़ा है ना। बिल्कुल ठीक है, हम तो उसकी बराबरी नहीं कर सकते। खानदान वालों की आंखें चीजें देख के फटी की फटी रह गई। हाँ लेकिन वो जल्दी से शादी की तारीख मांग लेना, ताकि हमें इस तरह जल्द से जल्द घर की हो जाए। हैं तुझे तो पता है ना, सबकी नजरों में आ चुके नजर लगती है। सही कह रही हो, लेकिन देखना कोई सोच भी सकता था सना की शादी हमारे हमजा से होगी? हो गई ना मंगनी, ऐसे ही फटाफट शादी भी हो जाएगी। ये बात तो सच है, जो भी किया है ना वो मेरी नानो ने किया है। कैसे पासा पलट दिया, मुझे तो यकीन ही नहीं आता। वैसे मैं कभी झूठ तो नहीं, मेरा मतलब झूठ बोलती हूँ, लेकिन छोटे छोटे से झूठ बोलती हूँ। तब बड़ा झूठ मैंने पहले कभी नहीं बोला था, लेकिन मेरी सना की मोहब्बत में मैंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। लेकिन नवाब कभी कभी सोचती हूँ तो कलेजा मुंह को आ जाता है मेरे। अल्लाह मेरे मुझे माफ करेंगे या नहीं? कर देंगे। माँ इसका बोलो ऐसी बातें, आने जाने वालों का घर किसी ने सुन लिया तो क्या होगा? तो क्यों परेशान होती है? ये राज जो है ना, राज जो है मेरे साथ मेरे कब्र में जाएगा। दुनिया में जो मुझे लोग मौजूद है ना, जिंदा लोग मेरे बारे बोलता नहीं, उनके कान में भिनक तक नहीं पड़ेगी इसकी। ते पक्के होते मेरा काम। लेकिन नवाब जब से मैंने झूठ बोला है ना सना, मेरे जिस्म में आग लगी हुई है, जैसे किसी ने भट्टी में मुझे डाल दिया हो, जैसे मैं चने की तरह भून रही हूँ किसी पहाड़ में, भस्म न हो जाऊँ। अल्लाह वहम हो गया तुम्हें, वहम की बीमारी। एक बात सुनो, अगर अल्लाह तुमसे नाराज होते ना तो दानियाल नहीं मरता, तुम मरती। तुम्हें लेने आते फरिश्ते, लेकिन नहीं लेने आए ना। जिंदा हो, सलामत हो, खा रही हो, पी रही हो, मजे में हो ना, तो बस अल्लाह नाराज नहीं है। तेरे क्या सोचती रहती हो? बस करो अम्मा। अरे जाओ जाकर देखो, घर के नौकरों पर रोब रखो, रोब जमाओ ना, हम पे तो बड़ा जमाती हो। मैं चाय बनाती हूँ। चाय बनाई तुम? साथ में बिस्किट भी लाऊंगी। तो कुछ खाना पीना पड़ेगा, यहाँ मेहमानदारी का कोई रिवाज नहीं। क्या कर रही है, सफाई होती है जरा से? हैं बड़ा कपड़ा लेकर आ, सफाई कर रही है, झाड़ रही है, क्या कर रही है? शुक्र है तुम्हारी शक्ल तो देखने को मिली, कल से चुपती फिर रही थी। वैसे अच्छा नहीं किया तुम, खालू के जनाजे पर मुझे रोक कर। यहां क्यों आए हो तुम? क्या हैरानियां, क्या बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि मैं शौहर हूं तुम्हारा, कहीं भी आ जा सकता हूं, सवाल तो मेरा बनता है। तुम मेरी इजाजत के बगैर समझा के साथ यहां क्यों आई? घटिया बेजमीर इंसान हो, यहां मेरा बाप मर गया था, मुझे यहां लेकर आने के बजाय तुम खुद कहीं निकल गए।
इसीलिए तो तुम्हें मौका मिल गया अपने पुराने आशिक के साथ मुलाकातें करने का। अपने मैं क्या कर, हाँ? दफा हो जाओ मेरे घर से, अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। मत भूलो रानिया बीबी। अब तुम यतीम हो चुके हो, अब तुम्हारा असल वारिस मैं ही हूं। तुम्हें मेरी बहुत जरूरत पड़ेगी। मैं तुम पर थूकना भी पसंद नहीं करती। सोच समझकर बात करो जानेमन। ले दे गए तुम्हारे पास वो बीमार बेवा माई तो बची है, अब वो भी हमारे ही रहमो करम पर है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन वो सोते हुए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तुम बैठो। हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन याद रखना तुम्हें और तुम्हारी माँ को भी अपने साथ ही ले डूबे। कोई सोच भी सकता था कि सना की शादी हमारे हमजा से होगी? हो गई ना मंगनी, ऐसे ही फटाफट शादी भी हो जाएगी। ये बात तो सच है, जो भी किया है ना वो मेरी नानो ने किया है। कैसे पासा पलट दिया मुझे तो यकीन ही नहीं आता। हमजा बेटा, तुम्हारे चाचा का दूसरा दिन है। सुबह का नाश्ता तो मैंने भिजवा दिया था, लेकिन दोपहर के खाने के लिए तुम ऑर्डर कर दो, बहुत सारे लोगों ने आना है। ये क्या, तुमने अंगूठी क्यों उतार के रखी हुई है? ये अंगूठी नहीं है, मेरे गले का फंदा। और जिसे बड़ी महारत से उन्होंने मेरी गर्दन में फिट कर दी। क्या हो गया हमसा तुम्हें, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मंगनी हो चुकी है तुम्हारी। स्टॉप इट नाउ, बी सीरियस। अब मैं सीरियस हूँ, ट्रस्ट मी। पता है मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मेरी बात का मान रखते हो। तुम खाने को ऑर्डर कर देना याद से। हुँ?
मासूम बच्चा था मैं, सारे स्कूल के सामने जो जिल्लत तुमने मुझे दी थी ना, मेरे दिल में कैद थी। अरे जो जुर्म तुमने किया था उसकी सजा तो बनती थी परी से। जो लोग दूसरों को मौका देते हैं वो हमेशा हारते हैं। खुद से जीतने का भी अलग मजा है और खुद से हारने का भी। आप सिर्फ मेरे हैं सुल्तान। सुल्तान उन लोगों में से है जो अपनी अना की तस्कीन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आज भी तुम पक्के खिलाड़ी हो, अपनी कमजोरी किसी के हाथ में रहने नहीं देते। मेरे बेडरूम की बात मेरे बेडरूम से बाहर जाए ये मुझे सख्त नापसंद है। तुम हमारे झगड़े की वजह से अपने मायके आई तो वो मेरे और तुम्हारे रिश्ते का आखिरी दिन होगा। बड़ी कयामत टूट पड़ी हम पे बेटा, इस भरी दुनिया में हम दोनों अकेले रह गए, बिल्कुल अकेले। हाय हाय, मेरा दिल तोड़ दिया तूने। ये क्या कह रही है? अरे हम हैं ना तेरे लिए और तेरी बेटी के लिए, हम हैं ना, हम जिंदा है ना अभी, हम माँ बेटी जिंदा है ना तेरा साथ देने के लिए मेरे बेटे। आपका बहुत शुक्रिया अम्मा, आपने हम लोगों का बड़ा साथ दिया, आपका एहसान हमेशा याद। हाय लो और सुनो है? अरे अपने होते किस लिए हैं? अगर किसी की खुशी गमी में कामना है तो फिर किस काम के हैं? लो देखो ना, हम अपना सारा घर बार छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास आ गए। अम्मा आए, मेरा दामाद, मेरा इतना प्यारा दामाद चला गया, मेरी बच्ची बेचारी बेवा हो गई, आए आए यतीम हो गई मेरी रानिया। अम्मा हौसला करे, बेहतर होगा कि बाप लोग भी अपने घर जाएं। आए हाय, ये क्या कह दिया तूने? आए मेरे घर के हजार टुकड़े हो गए। अरे अभी दानियाल को मेरे 2 दिन हुए और तू हमसे कह रही हम घर चले गए? नहीं, ये नहीं कर सकते, हमारा दिल इतना सख्त नहीं है, हम नहीं जा सकते, हम 40 महीने तक यहीं रहेंगे तेरे पास, तेरा दुख दर्द बांटने के लिए हम तेरे ही पास रहेंगे, कैसे जा सकते हैं ना नवाब? अरे दुनिया वाले क्या कहेंगे अगर हम चले गए तो, कि इनके दिल में कोई दर्द नहीं, कोई एहसास नहीं है अपनी बेटी के दर्द का? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे ना नवाब। अरे नवाब क्या खड़ी देख रही है तू, लेके जा बहन को ऊपर। आप रहने दे, मैं खुद ले जाती हूँ। आए मेरी बच्ची, छोटी उम्र में बेवा हो गई नवाब। आए मेरी रानिया यती हो गई। आए मेरा कलेजा फट जाएगा नवाब, मैं मर जाऊंगी। बोलो खुद को। Thank you.
मेहमानों के साथ बैठी थी, मौका ही नहीं मिल रहा था तुमसे बात करने का। अभी फ्री हुई हो? तुम कहाँ थे? तुम क्या यहाँ पर हमेशा मेरी चौकीदारी के लिए होती? हर वक्त इतने गुस्से में क्यों रहते हो? देखो सना, मेरा पहले ही बहुत दिमाग खराब हुआ है। इससे पहले कि मैं अपना सारा गुस्सा तुम पर निकाल, प्लीज जाओ यहाँ से। तुम जानते भी हो ना हमारी मंगनी हुई है, और मंगनी के बाद हमें टाइम तक नहीं मिला है बात करने का। तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही, जाओ यहाँ से। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज तुम चले जाओ यहाँ से। मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं मांगा, महज 30 लाख। ये वही रकम है जिसकी वजह से तुम्हारी और मेरी शादी मंसूख हुई, और अब उसी रकम की वजह से तुम अपनी और फाइज की शादी भी खत्म करना चाहती हो। तुम्हें तो जुर्म छुपाना भी नहीं आता, और चली हो मेरा मुकाबला करने। परेशानी गैरों से मिलती है ना, तो उस बीमारी की तरह होती है जिसकी शिद्दत बहुत कम होती है, लेकिन वही परेशानी जब अपनों से मिलती है तो वो एक दीमक बन के वजूद को खाने लगती है। आप किसी भी तरह करके इनको यहां से निकाले ना। क्यों, अब क्यों निकाले? जब तुम्हारे बाबा ने कहा था तब क्यों नहीं तुमने इनको छोड़ा? मजबूर थी मैं तब मम्मा, इतनी मजबूर थी कि अपने बाबा की जिंदगी दांव पे लगा दी तुमने। मम्मा उसने मुझे धमकाया था, मारता था वो मुझे, उसने मुझसे कहा कि अगर मैं ना गई उसके साथ तो... मामा उठ जाएं, आप थोड़ी देर रेस्ट कर लें, सोएंगी तो ठीक हो जाएंगी। रानिया तुम नहीं बताना चाहे, उठे। रानिया तुम मुझे बताओ। कुछ भी नहीं हुआ मामा, चलें ध्यान से ध्यान से। कुछ भी नहीं, बैठ। छुपा रही है ना कोई बात पूछ रही है? कुछ भी नहीं, आप रेस्ट कर। रानिया मेरा बच्चा, तो
मेरे पास हो, महफूज हो, अपने घर में हो, तुम इजी होके बताओ मुझे, तो बताओ मुझे, अगर इसने कुछ कहा है तो बोलो किसने क्या कहा है। कुछ भी नहीं हुआ मामा, कुछ हुआ ही नहीं है। आप मेडिसिन खा लें, थोड़ी देर सो जाए। कहाँ है मेडिसिन? कहाँ रखी हैं आपने दवाइयाँ? ताली बेटा, ये पानी है। सो जाए। पास हो रानी, क्या बात है, आप इतने खामोश क्यों हैं? कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूं दानियाल इस दुनिया से कुछ जल्दी चले गए। जी बहुत ही शॉकिंग था, लेकिन यही जिंदगी है। हाँ ये तो है। सोचता हूं कि मैं अपनी अकड़ में ही रहा, भाई के दिल का हाल नहीं जान सका, उससे बात नहीं कर सका खुल के, बस इसका मुझे सारी जिंदगी अफसोस रहा। रानिया तो अपने घर की हो गई है, हाँ साजिदा अकेली रह गई है, लेकिन हम बराबर में ही तो रहते हैं, उनका साथ थोड़ी छोड़ेंगे। तुम ख्याल रखना। लेकिन साजिदा ना नाराज है, हमसे बात नहीं कर रही। हाँ जो कुछ उनके साथ हुआ इतना तो बनता है ना।
क्या भाई, यहाँ क्या कर रही हो? मेरा घर है, मैं कहीं भी जा सकती हूँ। चलो अंदर, मेरा घर है, जाओ अंदर राइट नाउ। सर क्या बात कर, तुम मारते हो उसे? रोज मारते। क्यों भाई, बीवी है मेरी, मेरी मर्जी में जो चाहूं करूं, तू कौन होता बीच में बोलने वाला? हाँ इतनी बार बोला उससे दूर रखा तेरी मैं नहीं, नहीं। जा जा ले लूंगा मैं तेरी तेरी हिम्मत के सामने से हाथ लगा दे, लेके जाओ इसको यहां से। बीवी है मेरी, मेरी मर्जी में जो चाहूं करूं, कितनी बार बोला मेरी बीवी के सामने मत आया कर, दूर रह मेरी फैमिली से। वही चलो आइंदा देखे ना तो गोली मार देना उसको, समझे? बढ़िया है, मेरे मसले में बोलने वाले। जो ना बर्दाश्त नहीं होता है मुझसे, उसको समझा के रखा करे। क्या कर दिया उस गरीब ने, क्यों गुस्सा हो रहे हो उस पर? बस उससे कहा करे मेरे सामने मत आया करे, वो मेरे मुंह ना लगा करे। एक काम करो, उसे देख के ना अपनी आंखें मींच लिया करो, या फिर जहां वो हो वहां मत जाया करो। बेवकूफ, एक काम की बात सुन, देख इन औरतों को काबू में कर। नहीं समझ आई? क्या मतलब? अरे भाई इस घर का सरबरा दानियाल, वो तो अल्लाह को प्यारा हो गया, अब इन बेचारी औरतों को काबू करना कौन सी मुश्किल बात है? इतना बड़ा आलीशान घर, अकल को हाथ मार, तो तिगड़म लड़ा और ये सब जायदाद अपने नाम करवा ले, नस्लें लग जाती ऐसा घर बनाते हुए, समझा? इससे पहले नसीब को पीटो और कोई और हकदार आ जाए, चला ले ये दिमाग अपना, समझा? अस्तग़फ़िर।
थे भाई इस घर का सरबरा दानियाल, वो तो अल्लाह को प्यारा हो गया। अब इन बेचारी औरतों को काबू करना कौन सी मुश्किल बात है? इतना बड़ा आलीशान घर, अकल को हाथ मार, कोई तिगड़म लड़ा और ये सब जायदाद अपने नाम करवा ले। नस्लें लग जाती है ऐसा घर बनाते हुए, समझा? इससे पहले नसीब को पीटो और कोई और हकदार आ जाए, चला ले ये दिमाग अपना, समझा? ऐसी सहती है जो बंदा मर जाए ढूंढ ढूंढ के। कुछ चाहिए था आपको? हेलो दानी, आपने मुझे बताया ही नहीं। आप मुझे बताते तो मैं आ जाती अफसोस करने के लिए, बल्कि मैं अभी आ जाती हूँ ना अम्मी के साथ। अरे नहीं नहीं, कौन से हुए करीबी रिलेटिव थे, अचानक से ही मर गए, एक बेवा और बेटी छोड़ गए, जिनकी देखभाल भी अब मुझे ही करनी पड़ेगी। बेटी? क्या उम्र है इस बेटी की? जेलस हो रही हूँ। जेलस? मैं क्यों जेलस होने लगी? I'm just asking. Hey, jealous होगी तो मुझे अच्छा लगेगा। It means you deeply in love with me. तो तुम नहीं हो क्या? ये तो तुम पर डिपेंड करता है ना नाले। मुझे जीतती हो या मुझे हार जाती? दानी, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। I really love you. मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। Lovely. तुम्हारी अपने लिए दीवानगी देख कर ना मुझे बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं जल्दी, जल्दी मिलते हैं। बाय बाय। पागलपन, मैं रहना जाऊं कहीं मैं इसके इश्क में। सब मिले हुए हो, सब चोरी करते हो। नहीं बाजी, हम चोर नहीं बाजी। बड़े देखे मैंने तुम लोगों को। निकलो यहाँ से, निकलो। क्या हवाले करो, निकलो इस घर से। अरे निकलो, बड़े आए, निकलो तुम भी। बड़े आए मोसेस बनके, इससे पहले बुलाओ पुलिस को। निकलो निकलो, चलो जा। ए बड़े आए, चलो। ए नवाब, चलो दिफे ऊपर बैठ, बैठ में आती। क्या मुझे मामा को बताना चाहिए? नहीं, वो पहले ही बहुत परेशान है। आई थिंक मुझे खुद ही हैंडल करना चाहिए सिचुएशन को। माना दिल चाह रहा तो मुझे मारोगी? मार लो, मारो ना, कर लो अपना शौक पूरा, मारो। कोई ऐसी बात नहीं। अरे कहां भाग रही हो जानेमन, फेस करो मुझे और इन हालात को। कोई रास्ता भी तो नहीं है? हालात से तो इंसान मुकाबला कर लेता है, साजिशों से लड़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती। देख लिया था मैंने तुम्हें कब एक बात, हमारी सारी बातें भी सुन ली तुमने। ओह नो, लेकिन आई डोंट केयर।
रियली डोंट केयर। तुमने क्या सोचा क्या समझा मुझे कोई परवाह नहीं इस बात की। हम जो करने वाले हैं ना, तुम्हारी सोच है।